चीज है छुट्टी है। तो दोस्तों अगर आपको आपके पीसीबी पे वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेक करना है तब आपको आपका रेड प्रूफ को इधर लगाना। तो यहाँ पे मुझे 5.1 दिखाई दे रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पे 5.1 एम्पियर ये डिवाइस मुझे अभी दे रहा है। देखिए ये रजिस्टर जैसे कि मैंने लगाया तो 0.3 ओम्स का ये रजिस्टर है। चलिए देखते हैं, मेजर करते हैं कि 3 ओम्स का है या फिर मान लीजिए 0 ओम्स का है। तो इन दोनों को दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं देवेंद्र अग्रवाल इसे टेलीकॉम चैनल। दोस्तों मेरा नाम है देव अग्रवाल और आज हम बताएंगे आपको सनसाइन का एक मल्टीमीटर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये वीडियो अगर आप इस मल्टीमीटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो से आपको इस मल्टीमीटर के बारे में A to Z जानकारी मिल जाएगी एज अ बीइंग टेक्नीशियन की नज़र से। क्योंकि मैं इसको आपकी अगर इसको खोल के भी दिखा दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अंदर से, हमें काम ऊपर से करना है। तो मैं आपको इसको बताऊँगा कि आप इससे क्या क्या काम कर पाएंगे। दोस्तों आप मुझे जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो फिर आप हमारे इसे टेलीकॉम के चैनल पर जाके हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में पता कर सकते हैं और हमें डेली फेसबुक पे लाइव देख सकते हैं सर्च करके इसे टेलीकॉम। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और सीधे जाते हैं इस मल्टीमीटर की जानकारी पे। अगर आप नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है आगे काम करने के लिए और आपके लिए नए नए वीडियो लाने के लिए। और दोस्तों कमेंट करने पर मुझे बताइए आपको किस टूल के बारे में जानना है, मैं उस टूल के बारे में आपको अच्छे से डिटेलिंग करके वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। दोस्तों ये सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ ये मल्टीमीटर की है, इस वीडियो में आपको इस बारे मल्टीमीटर के बारे में जानकारी दूंगा और इसके बाद आप देखेंगे इस मल्टीमीटर के बारे में जानकारी और इसके बाद एक जो मल्टीमीटर पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ वो मल्टीमीटर है आपका ये मल्टीमीटर, इस मल्टीमीटर के बारे में जानकारी दूंगा। तो लगभग मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन सा बेस्ट है बट मेरी नज़र में कौन सा बेस्ट है एज अ टेक्नीशियन क्योंकि हम एंड्रॉयड और आईफोन दोनों का काम करते हैं और हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत एक मल्टीमीटर में पड़ती है एक एंडलेस लेवल पे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और जितने भी स्टूडेंट जो देख रहे हैं और मल्टीमीटर परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार इसको ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इस मल्टीमीटर को, ये मल्टीमीटर है सनसाइन मॉडल का। अगर हम इसका मॉडल नंबर जानेंगे तो इसका मॉडल नंबर है DT9205E। डिजिटल मल्टीमीटर है दोस्तों, मल्टीमीटर दो प्रकार के आते हैं एनालॉग और डिजिटल। आपने देखे होंगे पुराने मल्टीमीटर जिसमें इस तरह की एक सुई मिलती है जो मैग्नेटिक सुई होती है। दोस्तों ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये काफ़ी लेटेस्ट मल्टीमीटर है और इसके ऊपर भी नए लेटेस्ट मल्टीमीटर आते हैं पर सनसाइन का ये काफ़ी अच्छा और बेस्ट मल्टीमीटर है। हम अपने इंस्टीट्यूट में ये मल्टीमीटर भी यूज़ करते हैं स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर बताया मल्टीमीटर के बारे में पूरा बताया गया है कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको मल्टीमीटर दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है चेक करने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डीसी वोल्टेज का निशान, यहाँ पे एसी वोल्टेज, यहाँ पे डीसी एम्पियर, या बैटरी का, या अगर सपोज़ मल्टीमीटर में बैटरी का एरर आ रहा हो या बैटरी कम हो तो उसका भी आपको चिन्ह बताएगा। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर आप चेक कर सकते हैं और उसके अलावा और यहाँ पे आप एसी एम्पियर, यहाँ पे ओम्स के हैं और यहाँ पे डायोड मोड, आपके बजर मोड, आपका यहाँ पे कैपेसिटर्स। और अच्छी बात तो ये है आप यहाँ पे कैपेसिटर भी चेक कर सकते हैं। जनरली बहुत सारे मल्टीमीटर में कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो चेक करने के लिए नहीं मिलती है और यहाँ पर आप एनसीबी मतलब करंट को चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों ओवरऑल ये मल्टीमीटर काफ़ी अच्छा है और इसके बारे में मैं और आपको कम्प्लीट गाइडेंस देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ तो यहाँ पर सब तरह का आपको बताया गया है रेंज की, बेसिकली यहाँ पर कितनी रेंज ये मल्टीमीटर आपको दे रहा है, डीसी वोल्टेज चेक करने की रेंज ये दे रहा है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रेंज इसकी है 200 मिली वोल्टेज से 1000 वोल्ट, एसी का रेंज है 200 मिली वोल्टेज से 700 वोल्ट और डीसी वोल्टेज की जो रेंज जैसे कि यहाँ पर 2 मिली एम्पियर, अगर एम्पियर की बात करेंगे तो 2 मिली एम्पियर से यहाँ पर 10 एम्पियर तक है और एसी करंट जो कि 200 मिली एम्पियर से 10 एम्पियर तक है। रेजिस्टेंस अगर आप मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है, जो भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पढ़कर आते हैं या जिनको नॉलेज है, जो नॉलेज पाना चाहते हैं उस वीडियो को पूरे तरीके से सुनिए क्योंकि मैंने कहा है कि इस वीडियो में आपको बहुत ही आपको यूज़फुल आपको जानकारी मिलेगी जो मोबाइल रिपेयरिंग में काम में आएगी। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस ये 200 ओम से
100 मेगा ओम्स तक ये चेक कर लेगा। और कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो 20 नैनोफेराड से 200 माइक्रोफेराड तक ये आपको चेक कर सकता है। वार्निंग यहाँ पर अलग से दी गई है। चलिए ठीक है, तो ये जो है सनशाइन का एक ब्रांड है, ये कितने का है और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। एक आपको ओरिजिनल जिसको हम बोल सकते हैं जो प्रोडक्ट बेचते हैं उनके सेलर का भी एक आपको नंबर दूंगा ताकि आपको एक अच्छे रेट में ये मल्टीमीटर मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, इस मल्टीमीटर्स में आपको क्या क्या मिलता है। दो ये आपको रेड और ब्लैक कलर की प्रूफ केबल मिलती है, इसको मल्टीमीटर केबल भी कह सकते हैं और ये प्रूफ केबल होती है। बेसिकली इन प्रूफ के ऊपर आपको जिस तरह से कवर्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि ये प्रूफ आपको नॉर्मल प्रूफ मिल रही है, क्योंकि आजकल के जो मल्टीमीटर्स हैं दोस्तों उधर आपको प्रूफ्स इस तरह की थोड़ी हल्की और पैनी और सुई जैसी मिल रही है, क्योंकि आजकल के जो मोबाइल जो पीसीबी आते हैं, मदरबोर्ड आते हैं चेक करने के लिए, उसमें लगे कंपोनेंट काफ़ी छोटे और उन दो कंपोनेंट के बीच में कम दूरी होने के कारण हमें उनको चेक करने के लिए हमें बहुत दिक्कत जाती है इस तरह के प्रूफ्स में। तो चलिए आप जान गए होंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इन प्रूफ्स को अलग से भी परचेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी कॉस्ट नहीं होती है। बट ये ओरिजिनल इस मल्टीमीटर के साथ हैं, ये भी आप ध्यान रखें, और प्रूफ्स खरीदें तो एक अच्छी क्वालिटी का खरीदें, क्योंकि उससे आपके रेजिस्टेंस में फ़र्क पड़ सकता है। दोस्तों आप देखिए यहाँ पर इस मल्टीमीटर में और आपको क्या देखने को मिलेगा, ये आपका डिवाइस और आपको यहाँ पर बैटरी आपको दे मिल रही है, 9 वोल्ट बैटरी आपको यहाँ पे मिल रही है, और ये एक कंपनी जो बैटरी की है, खैर बाहर की ये कंपनी है, और यहाँ पे आप देखिए तो एक चाइनीज मॉड्यूल में आपको एक आपको यहाँ पर बुकलेट मिल रही है जो कंप्लीट, और चाइनीज़ और इंग्लिश दो अलग अलग में मैनुअल मिल रही है, जिसको हम डिजिटल मल्टीमीटर ऑपरेटर कह सकते हैं। आप इसका यूज़ कर सकते हैं बट इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक इसके जानकार हैं या जानकारी पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस बुकलेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। चलिए निकालते हैं पन्नी से इसको, पहली बार पूरा पैक है ये। ओके, बहुत ही अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का मल्टीमीटर है, काफ़ी लाइट वेटेड मल्टीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों मैं इसमें बैटरी इंसर्ट कर देता हूँ बैटरी इंसर्ट करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, जिसको हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसकी बैटरी इंसर्ट कर लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि बैटरी जब मैं इसमें फिट करने जा रहा था तो मैंने इस तरह की इसकी पैकिंग देखी, जो कि काफ़ी अच्छी पैकिंग है। जनरली इस तरह की पैकिंग होती नहीं है और आमतौर पे बैटरी को इस तरह से लगा देते हैं, पर जब मल्टीमीटर गिर जाते हैं, मान लीजिए अगर ये लूज़ हो तो बैटरी बाहर निकल आती है और ये चलना बंद हो जाते हैं। तो इस तरह की पैकिंग में दोस्तों ये अगर बाहर भी निकलता है तो ये लूज़ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी पैकिंग यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए यहाँ पे माइनस और प्लस की यहाँ पे पैकिंग दी हुई है, तो इस तरीके से हम इसको लगा लेते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि बैटरी भी बिल्कुल नहीं है और उस पर भी रैपर निकला नहीं है। दोस्तों ये बैटरी आमतौर पे आपके किसी भी जो इलेक्ट्रिकल की दुकान होती है उस पर ये आपको मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसको अमेजोन से भी परचेस कर सकते हैं। दोस्तों एक बार बैटरी लगा लेने के बाद हमेशा देखिए मैंने इसको लगा दिया है और इसको मैं इस तरह से पैक कर रहा हूँ, और एक बार मैं पीछे इसको कवर लगाने से पहले चेक कर लेता हूँ कि मेरे मल्टीमीटर में जो बैटरी लगी है वो मैंने सही लगाई है कि नहीं लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको मल्टीमीटर ऑन हो चुका है, इसका मतलब मैंने बैटरी सही लगाई है। तो चलिए दोस्तों आप इस मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं, और इसमें एक स्टैंड भी दिया हुआ है, आप पीछे इसको स्टैंड इस तरह से कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। पर सबसे पहले आइए इस मल्टीमीटर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शंस के बारे में बताना चाहता हूँ, और दोस्तों यहाँ पर सिर्फ बताने की बात नहीं है, मैं आपको इससे बाकायदा चेक भी करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रोटेटर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये ऑफ का है, और यहाँ पर दोस्तों एक और बात है कि अलग से इस मल्टीमीटर में इस डिस्प्ले पर एलईडी लाइट जलाने का यहाँ पे अभी कोई भी आपको स्विच दिख नहीं रहा है, इसका मतलब इसके अंदर एलईडी का ऑप्शन नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, जिस रेट में ये आता है उस रेट में ये बहुत एक अच्छा मल्टीमीटर है। अगर मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करूँ दोस्तों, इसको मैंने पर्सनली बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, आप मान के चलिए 1.5-2 साल से हम इसको यूज़ कर रहे हैं, और ये मल्टीमीटर बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं।
अगर दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ये देखिए एक एलईडी का निशान है, ये तब जलती है जब आप कंटिन्यूटी मोड यूज़ करते हैं और कंटिन्यूटी मोड पे ये एलईडी जलती है। मैं आपको इसको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। आप सबसे पहले देखेंगे तो आपको यहाँ पर बाहर अलग अलग चिन्ह देखने को मिल रहे हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है ओमेगा बना हुआ है, इसका मतलब ये ओम्स की रीडिंग है। यहाँ से आप रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं 200 ओम्स से लेकर, जैसे कि मैंने बताया था 200 मेगा ओम्स तक ये इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक कर देता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू नो वैल्यू के रूप में आती है उसमें एक आता है। जनरली अभी के जो मल्टीमीटर हैं उसमें इस तरह से ओ एल करके आता है। अब देखिए अगर मुझे किसी भी प्रकार की रेजिस्टेंस की वैल्यू चेक करनी है तो मैं 200 से चालू करूँगा, अगर उसकी वैल्यू हाई होगी तो मैं बढ़ाता जाऊँगा, जो कि 200 मेगा तक ही होती है, जो कि 200 मेगा तक होती है। अगर दोस्तों अगर मैं कंटिन्यूटी मोड की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर बजर मोड दिख रहा है। और अभी मैं आपको इस बजर मोड को कैसे यूज़ करते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा पीसीबी पर। और दोस्तों इसके साथ ही मुझे डायोड मोड भी दिखाई दे रहा है। पर फर्क इतना है कि डिस्प्ले पर मुझे यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है कि मैंने यहाँ पर कितने किस मोड पर रखा हुआ है। सो यहाँ पर ये इसका एक डिसएडवांटेज हम इसको मान सकते हैं। बट जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जिस प्राइस में ये आता है उस प्राइस में ये बहुत बेस्ट है। अब उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर F करके एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है फ्राड। तो ये होता है आपके कैपेसिटर की चेक करने की यूनिट, जिसको हम बेसिकली कैपेसिटेंस के रूप में जानते हैं और फैराड इसकी यूनिट होती है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं मुझे किसी भी कैपेसिटर को जानना है तो मुझे इस तरह से इसकी वैल्यू को चेंज करते करते उसको चेक करना पड़ेगा। और अगर इसके बाद में मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख रहेंगे ए का मतलब एम्पियर और ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं इसका मतलब डीसी एम्पियर। तो यहाँ पर हम 10 डीसी एम्पियर को चेक कर सकते हैं, और जिसके लिए आपको प्रोब को यहाँ से उठा कर रेड से उठा के देखिए, सिर्फ अलग से एक डीसी एम्पियर के लिए यहाँ पे एक अलग का आपको प्रोब बनाया गया है, प्रोब का आपको स्लॉट बनाया गया है। मतलब नॉर्मली आप देख सकते हैं, देखिए नीचे आप देखिए तो नीचे यहाँ पर दिया है। यहाँ अगर मुझे इस देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके लिए सरल कर देता हूँ, सबसे पहले मैं आपको ब्लैक प्रोब बता देता हूँ। कभी भी ध्यान रखिएगा ब्लैक प्रोब हमेशा ऑलवेज कॉमन में लगा रहता है। तो देखिए इसको मैं कॉमन में लगा देता हूँ और काफ़ी अच्छा प्रोब फिट हो चुका है, और आप देख सकते हैं कि प्रोब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, निकल नहीं रहा है। तो जनरली ये बहुत डीले होते हैं और इस वजह से काफ़ी परेशानी का भी हमारे को कारण बन जाते हैं चेक करने के टाइम पर। तो अब मेरे पास 3 चीज़ें छूटती हैं। तो दोस्तों अगर आपको आपकी पीसीबी पे वोल्टेज या रेजिस्टेंस चेक करना है तब आपको आपका रेड प्रोब को इधर लगाना होगा। और अगर आप चेक करते हैं मिली एम्पियर, जो कि आप देखेंगे यहाँ पर आपको एम्पियर चेक करने को दिख रहा है, अगर आप मिली एम्पियर को चेक करेंगे तब आपको आपका वो ये जो रेड कलर का प्रोब है उसको यहाँ लगाना पड़ेगा। और अगर आप चेक करते हैं हाई एम्पियर जैसे 10 एम्पियर तक, तो आप इसको यहाँ लगा सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 जगह आपको लगाना है और मैं इसको चेक करके बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डीसी एम्पियर दिया हुआ, यहाँ पर डीसी एम, तो दोस्तों इसके बाद मैं बात करूं तो यहाँ पर डीसी एम्पियर दिया हुआ है, यहाँ पर एसी एम्पियर दिया हुआ है, जो कि 200 मिली से लेकर 10 एसी एम्पियर यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं वोल्टेज, जो कि यहाँ पर एसी वोल्टेज है, जो कि जैसे अगर हमारे घरों में जो कॉमन सप्लाई चलती है 240, हम इसको 700 पर रख के इसको चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद है जो हमारे मोबाइल फ़ोन में जैसे 20 वोल्ट तक हम इसको चेक कर सकते हैं, लाइट का सेक्शन है तो हमें 200 वोल्ट पे इसको रखना पड़ेगा, जो कि डीसी वोल्ट है। सो इस तरह का एक मल्टीमीटर है। अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी बताऊँ और इसकी आपको आवाज़ सुनाऊँ कि कितना साउंड ये मल्टीमीटर आपको दे सकते हैं, तो मैं आपको इस मल्टीमीटर की साउंड सुनाना चाहूँगा। अच्छा, आपको कभी भी डायोड मोड और बजर मोड यूज़ करना है तो आपको रेड प्रोब को इस वोल्टेज और ओम्स के मोड पे रखना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, तो इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी तेज़ है
और आप देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में यहाँ पर कुछ भी रीडिंग दिखाई नहीं दे रही है। यूजली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मल्टीमीटर्स में जब भी हम ये दो प्रोब को लगाते हैं तो कुछ 2 से 4 से 5 से लेकर 10 तक कुछ भी वैल्यू अगर दिखाई देती है तो हमारे लिए दिक्कत जाता है रजिस्टेंस को चेक करने में, क्योंकि अगर एक रजिस्टर की वैल्यू 10 ओम्स है और अगर ये ऑलरेडी पहले से 5 दिखा रहा है तो वो 15 ही दिखाएगा, जो कि आपको लगेगा कि यार इसकी वैल्यू 10 होने के बाद ये 15 क्यों दे रहा है और आप उसको हो सकता है ख़राब माने। तो इसको समझने के लिए बहुत अच्छी ज़रूरत है एक अच्छी क्लास करने की, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ इस टेलीकॉम को ज्वाइन करो ताकि आपको मिलेगा ये बहुत अच्छा नॉलेज। आप देखिए मैं इन दोनों को यूज़ करता हूँ, तो इसको दोस्तों पहले बोलते हैं कंटिन्यूटी मोड और आप देखिए कि ये बिल्कुल साउंड भी काफ़ी अच्छा है और जब ये बीप जलती है तो ये लाइट आपकी ग्लो करती है। और अगर अब दोस्तों चलिए इसकी बात करते हैं आगे की चेकिंग की, तो आइए एक पीसीबी पे और इससे हम चेक करते हैं और दिखाते हैं कि एक रजिस्टर अगर मान लीजिए 2.2K का है तो वो हमारे बोर्ड पे कितना होगा, या किसी भी एक रजिस्टर को हम चेक करेंगे। और इसके बाद हम चेक करते हैं दोस्तों यहाँ से तो हम ट्रांजिस्टर चेक करते हैं, जो कि हम यहाँ पर आप देख सकते हैं PNP और NPN आपको यहाँ पर यूनिट दिखाई दे रही है, तो और जनरली यहाँ पर ये N है, जनरली यहाँ पर ये ऑफ हो जाता है। और दोस्तों ये NCB का मतलब जहाँ से हम इसको करंट को चेक कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको NCB मोड पे डाल दूँ और अगर मैं देखूँ कि मेरे जो माइक्रोस्कोप के अंदर जो लाइट है उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप देखिए मतलब कभी कभी होता ना, जैसे मान के चलिए आपके घर में कोई वायर है, ये वायर है और आप देखना चाहते हैं कि इसमें करंट आ रहा है कि भी नहीं आ रहा है, तो आप उसको इसके पास में रख सकते हैं। तो अगर दोस्तों इस ओवरऑल मल्टीमीटर की बात करूँ तो काफ़ी एक अच्छा मल्टीमीटर है। ओके हाँ वेरी गुड, सो बहुत अच्छी चेकिंग ये कर रहा है। आइए इस मल्टीमीटर को चेक करें प्रैक्टिकल लेवल पर, तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं इस पर वोल्टेज चेक करता हूँ DC और मैं चेक करता हूँ कि मेरे जो BBAT पर है कितना यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है तो इस मल्टीमीटर से। तो जैसे ही दोस्तों मैं यहाँ पर बैटरी लगाऊंगा मुझे यहाँ पर एक BBAT का वोल्टेज मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर इस BBAT का टेस्टिंग पॉइंट कौन सा है, तो उसके लिए दोस्तों मैं यूज़ करूँगा इसका कंटिन्यूटी मोड। सो देखिए मैंने कंटिन्यूटी मोड यूज़ किया हुआ है इसका, आप इसको देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो चलिए इसका कंटिन्यूटी मोड यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मैं कूल टेस्टिंग करता हूँ, चेक करता हूँ अपने BBAT के रेजिस्टेंस, और मैंने क्योंकि डायोड मोड पर भी डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक सिरे को ग्राउंड रखा हुआ है और ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पे ये मेरे BBAT के रेजिस्टेंस है, यहाँ पर मेरा BBAT का ये रीडिंग आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी BBAT का रीडिंग आ रहा है, एक बार इसको हम रिवर्स रीडिंग में चेक करेंगे। देखिए तो इसका मतलब है यहाँ पर किसी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है, तो ये मेरा BBAT है और BBAT से कंटिन्यूटी लूँगा तो ये दोनों मेरे BBAT के टेस्ट पॉइंट है। तो चलिए दोस्तों एक बार इस पर क्योंकि मेरा टेस्ट पॉइंट भी चेक कर लिया, यहाँ से आपने देखा कि डायोड मोड भी मैंने यहाँ पर चेक कर लिया और अब मैं यहाँ पर इसको चेक करके दिखाऊँगा आपको वोल्टेज। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी है, अब हम इसको डालेंगे 20 वोल्ट पर DC और इसके बाद में हम इसका वोल्ट चेक करेंगे। अब हम कर रहे हैं हॉट टेस्टिंग, इसलिए मैं ब्लैक को रख देता हूं ग्राउंड पे और रेड को रख देता हूं मैं टेस्टिंग पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर वोल्टेज कितना एक्यूरेट आ रहा है, 3.80 और ये स्टेबल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर दोस्तों यहाँ पर मान लीजिए मेरे बोर्ड में कोई फॉल्ट नहीं है, पर अगर ये मल्टीमीटर में फॉल्ट होता तो हो सकता था कि ये वोल्टेज को एक्यूरेट ना दे और तो ये वोल्टेज को एक्यूरेट ना दे और कुछ स्तर तक जो रीडिंग है उसको फ्लक्चुएट करे। तो ये फॉल्ट ज़्यादातर मल्टीमीटर से भी आते हैं पर ये हमारे फ़ोन में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर DC की पल्स हमारी सही नहीं है और उसमें AC की अगर मान सपोज AC का कचरा या तो हम बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज का जो हमारा आउटपुट है वो कभी भी एक समान नहीं होगा, क्योंकि AC का आउटपुट हमेशा घटता वो बढ़ता रहता है और DC ऑलवेज सेम दिशा में चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर कोई फॉल्ट होता है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने चेक किया यहाँ पर DC वोल्टेज, तो DC वोल्टेज पर फिर से चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिएगा 3.8 आ रहा है। तो चलिए ठीक है, अब इस पर हम एक रजिस्टर को मेजर करके बताते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। तो इसलिए मैं इसको सबसे पहले 200 ओम्स में रख देता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रजिस्टर भी लगे हुए हैं।
तो आइए सबसे पहले रजिस्टर को चेक करेंगे। तो देखिए ये रजिस्टर जैसे कि मैंने लगाया तो 0.3 ओम्स का ये रजिस्टर है। चलिए देखते हैं, मेजर करते हैं कि 3 ओम्स का है या फिर मान लीजिए 0 ओम्स का है। तो इन दोनों को जैसे मैंने प्रोब को टच किया तो ये 0.3 ओम्स और ये ऑटो मोड पे ये दे रहा है। अगर मैं 200 ओम्स में टच करता हूँ तो इसका मतलब है कि दोस्तों जो मेरा रजिस्टर है वो 0 ओम्स का है। आइए देखते हैं कि वो बजर देता है कि नहीं देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से वो बजर देना चाहिए, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही हमने यहाँ पे चेक किया। चलिए इसके बाद कोई दूसरा रजिस्टर चेक करते हैं। ये देखिए होपफुली यहाँ पर हमको एक हाई वैल्यू रजिस्टर देखने को मिल सकता है क्योंकि ये एक पावर की सप्लाई है। आइए इस पावर की सप्लाई को हम चेक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर रखने पर किसी भी प्रकार का बजर नहीं आ रहा है। तो आइए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले 200 ओम्स के मोड पे, 200 ओम्स के मोड पे चेक करने पे आप देख सकते हैं कि कोई भी रीडिंग यहाँ पर नहीं आ रही है। देखिए रीडिंग आ रही है आपकी 0.976। इसका मतलब ये है कि ये लगभग एक 1K का रजिस्टर है। और दोस्तों ये रीडिंग इसलिए कम दिखा रहा है, 1000 नहीं दिखा रहा है दोस्तों। ये रीज़न इसका क्योंकि ये बोर्ड पर लगा हुआ है और रीडिंग का कुछ टॉलरेंस की वजह से यहाँ पर आपको प्लस माइनस रीडिंग आ सकती है। तो बेसिकली हमने रजिस्टर भी चेक कर लिया। आइए चेक करते हैं यहाँ पर दोस्तों जनरली कैपेसिटर्स को हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में कि कंटिन्यूटी आती है कि नहीं आती है। बट अगर हमको कैपेसिटर का मान पता है तो हम यहाँ पे कैपेसिटर का मान भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए पर यहाँ पर हमारे पीसीबी में जो कैपेसिटर लगे होते हैं वो जनरली पीको फेराड के लगे होते हैं और ये एक बड़े मान के कैपेसिटर को चेक करने के लिए है। तो इसलिए हम फिलहाल इस मल्टीमीटर से कैपेसिटर को अभी फ़िलहाल चेक नहीं कर सकते। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे बताएगा ज़रूर। मैंने इसमें आपको चेक करके हर चीज़ बताई है। आइए दोस्तों इसमें चेक करते हैं एक बार एम्पियर कि इसमें एम्पियर ये चेक करता है कि नहीं। सो देखिए दोस्तों मैं एम्पियर को चेक करता हूँ। एम्पियर को चेक करने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर रेड प्रोब को उठाकर मैं 10 एम्पियर के प्रोब में डाल दूंगा, स्लॉट में डाल दूंगा और अब मैं इससे एम्पियर को चेक करूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको अब चेक करवाता हूं एम्पियर। तो चलिए हमने इसको 10 एम्पियर पे रख लिया है। प्रोब हमने यहां से हटाकर इस 10 एम्पियर के स्लॉट में लगा ली है और अब हम इस एम्पियर को चेक करते हैं। दोस्तों एम्पियर को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी डीसी मशीन पे 5 एम्पियर सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैं डीसी मशीन को ऑन करता हूं और इस प्रोब को अपनी डीसी मशीन के प्रोब से टच करूंगा और ये चेक करने के लिए कि ये 5 एम्पियर दिखाती है कि नहीं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं इसका डेमो। तो ये मेरी डीसी मशीन के वायरिंग है। तो अगर मैं ये मेरा प्लस सिरा अगर मैं इसको ये लगाऊं और यहाँ पर ये है हमारा माइनस सिरा। तो देखिए माइनस सिरे को मैंने यहाँ पे लगा दिया है और प्लस सिरे को मैंने यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पर आप डीसी मशीन पे अगर वोल्टेज की बात करेंगे तो देखिए वोल्टेज आपको 4.2 नज़र आ रहे होंगे, पर अगर एम्पियर की बात करेंगे तो 5 एम्पियर नज़र आ रहे होंगे। तो हमको यहाँ पर 5 अप्रॉक्स नज़र आना चाहिए मल्टीमीटर में क्योंकि अभी हम एम्पियर चेक कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 5 को टच करता हूँ तो यहाँ पे मुझे 5.1 दिखाई दे रहा है जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पे 5.1 एम्पियर ये डिवाइस मुझे अभी दे रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको इस मल्टीमीटर का? कम्प्लीटली टेक्निकली रिव्यू मैंने यहाँ पर आपको दिया है और ये है हमारा सनसाइन का DT9205, एक काफ़ी पॉपुलर एक मल्टीमीटर है। तो दोस्तों मुझे बताइए इस मल्टीमीटर के बारे में आपने कैसे लगा आपको ये वीडियो, और आप सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि हम बहुत सारे मल्टीमीटर के यहाँ पर रिव्यू करेंगे ऐसे ही कम्प्लीटली, जिससे आपको कुछ ट्रेनिंग का भी मौका मिले फ्री में। और इस मल्टीमीटर को दोस्तों बिल्कुल परचेज़ कीजिए, ये एक 500 550 या 600 की रेंज का एक कम बजट का एक मल्टीमीटर है और ये आपके एटलीस्ट वो जो मल्टीमीटर आते हैं 100 200 300 250 रुपये से, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर ये मल्टीमीटर है। इस मल्टीमीटर को मैं रिकमेंड करूँगा आप परचेज़ ज़रूर कीजिए क्योंकि इसकी स्क्रीन
काफ़ी बड़ी है और 500 रुपये या 600 रुपये की रेंज में जो ये आपको दे रहा है वो एक पैसा वसूल चीज़ है। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, जैसे कि कहा है कि इस चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब और जुड़े रहें एसर टेलीकॉम से। थैंक यू वेरी मच। 4G CPU से लेकर आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। चाहता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?